हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी स्किल्स पर। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। 2 दिन बाद बच्चों आपका एग्जाम है यहाँ पर इसरो आईपीआरसी का, 20 तारीख में आपका एग्जाम है, ठीक है। तो उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही अलग क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर इसरो अडेप्ट करता है, जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करता है, देता है जिस तरीके के क्वेश्चन, उस तरीके के भी क्वेश्चन ही बच्चों आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट लेकर आए हैं। तो आइए बच्चे सभी लाइव आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे साथ में, क्लास में जुड़ जाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना ही टाइम को बर्बाद किए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, स्टील इन इट्स हार्डनेड कंडीशन इट इज जनरेट टू ब्रिटल टू बी यूज्ड फॉर सर्टेन फंक्शन देयर फॉर इज, यानी कि स्टील अपनी कठोरता स्थिति में आमतौर पर बहुत ही भंगुर होता है, जिसका उपयोग कुछ ही कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए इसको क्या किया जाता है बच्चों, टफ किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, हार्ड किया जाता है या आपका टेम्पर्ड किया जाता है। देखिए बच्चों, जब भी हम स्टील को क्या करते हैं, हीट ट्रीटेड करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, हार्ड एंड टेम्पर यहां पर करते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाता है यहां पर, टेम्पर्ड इसको किया जाता है, ठीक है। कट हार्डनेस को कम करने के लिए उसको क्या किया जाता है, टेम्परिंग की जाती है उसकी, क्या किया जाता है, टेम्परिंग की जाती है, यानी उसकी टफनेस को बनाए रखते हैं और उसकी ब्रिटलनेस को हम क्या करते हैं, कम करते हैं ब्रिटलनेस को। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर द मेजर टू ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू कंडक्ट, उसमें चालकता और विद्युत चालकता के आचरण के लिए एक धातु की योग्यता को मापता है। यानी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है आपकी, थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो क्या मापती है मेटल की, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर एंड फ्रिक्शन ओनली, या हीट ओनली, ठीक है। तो यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो मेटल की मापती है, ओनली हीट, केवल हीट को यहां पर नापती है। जो बच्चे इसका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यहां पर दे रहे हैं इसका आंसर, वो बिल्कुल ही गलत उत्तर है। यहां पर देखिए भाई, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, अगर वहां से अगर किसी किसी मेटल में इलेक्ट्रिकल विद्युत का प्रवाह होगा, ये कंडक्टिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, तो वहां पर क्या होगी, वो धातु गर्म होना शुरू कर देगी। और थर्मल कंडक्टिविटी में बेटा हीट ही जनरेट होती है, क्लियर है, केवल हीट यहां पर नापती है। चलिए अगला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू विदस्टैंड शॉक और इंपैक्ट इज कॉल्ड, यानी कि झटके और संघात सहन करने के लिए धातु के गुण को डैश कहा जाता है। यहां पर क्या कहा जाता है बच्चों, कोई धातु जो है झटके सहन कर रही है, इंपैक्ट सहन कर रही है, यहां पर उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, डक्टिलिटी या टफनेस यहां पर, ठीक है। वो धातु क्या है, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, किसी पे इंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी किसी पे हम क्या कर रहे हैं, वार इंपैक्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, वो टूट नहीं रही, उसको सहन कर ले रही है, तो क्या है, झटके सहन करने की क्षमता। और वो क्या होती है बच्चों, वो होती है आपकी टफनेस, टफनेस में टफनेस का यह गुण होता है कि वह झटके सहन कर सकती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल वी कैन इंक्रीज इट्स साइज बाय रोलिंग और हैमरिंग, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि मेटल की किस प्रॉपर्टी के कारण हम यहां पर धातु को, धातु के किस गुण के कारण हम यहां पर धातु को रोलिंग या पिटाई करके किसी भी आकार में हम बना सकते हैं, यानी कि वो क्या कर रहा है बच्चों, आपको रोलिंग और हैमरिंग के द्वारा हम धातु को, मेटल को एक डिजायरेबल शेप में यहां पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद कीजिए बच्चों, धातु का वह गुण जिसके कारण उसको ठोक पीट कर या रोल करके क्या चादरों के रूप में बनाया जा सकता है, वो कौन सा गुण होता है बच्चों, मेलेबिलिटी, क्या होता है, मेलेबिलिटी, यानी कि आघात वर्धनता उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आघात वर्धनता उसको बोला जाता है, मेलेबिलिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, इकाई विकृति को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी, परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया, स्टिफनेस या हार्डनेस, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट डिफॉर्मेशन, यानी कि उसमें क्या है ना, यूनिट डिफॉर्मेशन, इकाई विकृति उसमें होनी है। देखिएगा, अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहां पर बनाते हैं, तो यहां से फिर क्या होता है, ये आपका यहां तक का है, ये फोर्स डिफॉर्मेशन, ठीक है, फोर्स जनरेट करना है यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए, और ये होता है हमारा बच्चों स्टिफनेस, क्या होती है, स्टिफनेस होती है इसकी, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इट इज अ हेक्सागोनल नट विद अ हाफ कट अक्रॉस इट, यानी कि यह एक हेक्सागोनल नट है
जिसके आर पार आधा सा कट, हाफ कट होता है आर पार में, वो कौन सा नट होता है? स्वान नट होता है बच्चों, ग्रूव नट होता है, लॉक नट होता है या कैसल नट होता है। ठीक है, कैसल नट होता है, वो कौन सा नट होता है बच्चों? जिसके आर पार क्या होता है आपका, आधा सा कट होता है। ठीक है, उस नट को क्या बोलते हैं बच्चों? साइमन नट उसको बोला जाता है। और उसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? यहाँ स्वान नट। क्या है? स्वान नट यहाँ पर उसी का दूसरा नाम है बच्चों, साइमन नट का दूसरा नाम स्वान नट यहाँ पर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ अ वाशर, यहां पर वाशर का क्या फंक्शन है? देखिए बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां पर। मेनली इसरो इस तरीके के शीट मेटल हो गया, आपका फास्टनर हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस पर ही यहाँ पर क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट मेटल्स और आपका कटिंग टूल्स हो गया, आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, यहाँ पर मशीन इंस्टॉलेशन हो गया, इधर इन तरीके से इन क्वेश्चन से क्या करता है, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पर उठाता है। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर ही, अगर आप कहीं ना कहीं इसरो में जाने का सपना देख रहे हैं तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, द फंक्शन ऑफ अ वाशर इज, वाशर का क्या कार्य है? टू फिल द एक्सियल गैप, टू प्रोवाइड क्वेंचिंग इफेक्ट, टू एब्सॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन, टू प्रोवाइड बियरिंग एरिया, अक्षीय अंतराल को भरना, भ्रामक प्रदान करना, प्रघात कंपन को सुनिश्चित करना, बेयरिंग क्षेत्र का बढ़ाना। ठीक है, क्या है बच्चों वाशर का कार्य? वाशर क्या करता है यहाँ पर? बेयरिंग एरिया को बढ़ा देता है। जब उस पर लोड, जब किसी बोल्ट पर लोड पड़ता है तो वाशर क्या करता है? उस लोड को फैला देता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस लोड को। ठीक, बेयरिंग एरिया बढ़ा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? टू प्रिवेंट लूजनिंग इन अ बोल्ट जॉइंट ड्यू टू वाइब्रेशन वाशर आर यूज्ड, यानी कि क्या कर रहा है कि लूजनिंग से रोकने के लिए कंपन डैश वाशरों का प्रयोग किया जाता है, लूजनिंग से रोकने, बोल्टेड जॉइंट ड्यू टू वाइब्रेशन। ठीक है, आप जो आपके बोल्ट जॉइंट है वहां पर आपने क्या करना है, वाइब्रेशन जनरेट हो रही है, वहां पर वाइब्रेशन होने के कारण क्या होता है, नट खुल जाता है उस पर, उस नट को वहां से खुलने के लिए, बोल्ट नट को खुलने से बचाने के लिए, कंपन के कारण खुलने से बचाने के लिए यहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? स्प्रिंग वॉशर का, स्टैंडर्ड वॉशर का, टेपर वॉशर का, थिक वॉशर का, यहाँ पर किसका यूज किया जाता है? तो वहां यूज करते हैं बच्चों हम स्प्रिंग वॉशर। ठीक है, स्प्रिंग वॉशर एक लॉकिंग डिवाइस होती है, ये क्या होती है? लॉकिंग डिवाइस होती है यहाँ पर स्प्रिंग वॉशर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द लेंथ ऑफ अ टेल आउट ऑफ द विच अनदर हेड इज फॉर्म्ड इज कैप्ट डैश टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रिबिट। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेल ऑफ विच अनदर हेड इज फॉर्म्ड, यानी कि आपसे क्या कह रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बच्चों? ठीक, क्या है यहां पर, ये हमारा रिबिट है, एक हेड इसका बना हुआ है, दूसरे हेड को जब हम बनाते हैं ये क्या है, अगर मैं बात करता हूं बच्चों यहां पर ये प्लेट्स है, दो प्लेट के बीच में यहां पर ये हेड लगा हुआ है और इसका हेड हमें बनाना है। ठीक है, इसका हेड हमें बनाना है, तो यहां पर ये पूछ रहा है इस, जो इसकी टेल होती है, पूंछ की लंबाई होती है, वो क्या कह रहे हैं, पूंछ की लंबाई जिसमें एक सिरा है, एक सिर बनता है, रिविट के व्यास का कितना होता है, यानी कि जो रिविट का जो डायमीटर है बच्चों वो कितने गुना रखा जाता है यहाँ पर, वो रखा जाता है बच्चों 1.25 गुना। ठीक है, 1.25 गुना इसको रखा जाता है रिविट के व्यास से। ठीक है, हेड बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द रिविट होल इज कैप्ट लार्जर देन द रिविट बाय, यानी कि रिविट होल का व्यास को रिविट के रिविट से बड़ा किसके द्वारा रखा जाता है? द डायमीटर ऑफ फॉर अ रिविट होल इज कैप्ट लार्जर देन द रिविट बाय, तो किसकी मदद से, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, ये कितना साइज रखा जाता है, डायमीटर ऑफ द होल, रिविट होल कैप्ट लार्जर देन द रिविट। ठीक है, रिविट से किसके यानी कितना रखा जाता है, 1.1 mm से लेकर 1.5 mm तक यहाँ पर इसको रखा जाता है डायमीटर को आपके रिविट के। ठीक है, होल के रिविट से। चले अगला क्वेश्चन, टू प्रिवेंट लीकेज थ्रू द जॉइंट द प्लेट्स आर फर्मली फोर्ड टुगेदर बाय, जोड़ के माध्यम से रिसाव को रोकने के लिए प्लेटें किसके लिए मजबूती से एक दूसरे के साथ होती हैं, यानी कि आपने क्या करना है बच्चों, आपने क्या करना है, हमारे पास क्या है, ये दो प्लेट्स हैं, क्या है हमारे पास, ये दो प्लेट्स हैं बच्चों,
ये देखिएगा, ठीक, दो प्लेट है। एक बार इसका क्या होता है, यहां पर ये आपका रिवेट के हेड को दबाने के लिए और एक आपके प्लेट के एजिस को दबाने के लिए, ठीक है। ये कौन सा होता है, ये हमारा कॉकिंग टूल होता है और ये हमारा फुल रिंग टूल, ठीक है। कॉकिंग टूल क्या करता है, रिवेट के एजिस और प्लेट के एजिस को दोनों को यहां पर दबाता है, लीक प्रूफ जॉइंट बनाता है। और फुल रिंग जो होता है बच्चों हमारा, वो क्या करता है, वो प्लेट के एजिस को दबाकर लीक प्रूफ जॉइंट बनाता है, केवल प्लेट के एजिस को यहां पर दबाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, दोनों ही, बोथ कोकिंग एंड फुल रिंग, ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, यहां पर जोड़ को लीक प्रूफ बनाने का काम करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द थिकनेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ द फुल रिंग टूल, फुल रिंग टूल की थिकनेस कितनी होती है, कंपेरेटिवली वेरी लार्ज देन दैट ऑफ द प्लेट, प्लेटों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ी, कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल देन दैट दैट ऑफ द प्लेट, तो प्लेटों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बहुत छोटी, या सेम एज द सेम एज दैट ऑफ द प्लेट, प्लेट के समान ही, या एनी ऑफ वन ऑफ द अबव, इनमें से कोई एक। तो क्या होता है बच्चों, देखिएगा जो हमारे फोल्डिंग टूल होता है, फोल्डिंग टूल होता है उसकी थिकनेस कितनी रखी जाती है, कोई हमारी प्लेट है, ठीक है, ये कोई हमारी प्लेट है, इसके हमें एजिस को क्या करना है, यहाँ पर लीक प्रूफ बनाना है। तो यहाँ पर इसका जो साइज रखा जाता है, फुल रिंग टूल का जो साइज होता है बच्चों, वो प्लेट की थिकनेस के, जो प्लेट की जो मोटाई होती है, प्लेट की जो मोटाई होती है उसके बराबर ही रखा जाता है फुल रिंग टूल का, यानी कि सेम एज द प्लेट, सेम एज दैट ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू रिविट्स एट द एडजस्टिंग रो प्लेस्ड डायगनली इन द सेम प्लेट इज कॉल्ड, यानी कि आपसे पूछ रहा है एक ही प्लेट में, ठीक है, एक ही प्लेट में तिरछे रखे गए आसन पंक्तियों में दो रिविट के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू रिविट्स इन एडजेसेंट रो प्लेस डायगनली इन द सेम प्लेट इज कॉल्ड। ये क्या कह रहा है बच्चों यहां पर, कि जो डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस है बिटवीन टू रिविट, ठीक है, दो रिविट के बीच का सेंटर डिस्टेंस है आपके एडजेसेंट रो में, एडजेसेंट रो में। यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां पर क्या है, ये क्या है आपकी प्लेट है, ठीक है, ये रिविट है, रिविट, प्लेट, ठीक है, ये आपकी एडजेसेंट, एडजेसेंट रो, ये एडजेसेंट रो है बच्चों आपकी, क्लियर है, एडजेसेंट रो है यहां पर, ये क्लियर। तो यहां पर ये आपसे क्या कह रहा है, ये डायगनल यहां पे, इसके सेंटर से डायगनल में इसके सेंटर के बीच की दूरी को, इसके इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी को यहां पर आपसे पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, डायगनल पिच यहां पर इसको बोलते हैं, विकर्ण पिच यहां पर इसको बोला जाता है, बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एडजेसेंट रो रिविट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्नैप एड रिविट आर यूज्ड, स्नैप एड रिविट कहां यूज किए जाते हैं, स्ट्रक्चरल वर्क के लिए, शिप बिल्डिंग वर्क के लिए, एयरक्राफ्ट बॉडी के लिए, या एनी ऑफ दी अबव। यहां पर तो देखिएगा बच्चों, जो स्नैप हेड रिविट होते हैं हमारे, स्नैप हेड रिविट जो होते हैं बच्चों कुछ इस तरीके से, यहां पर ये स्नैप हेड जो रिविट होते हैं यहां पर, ठीक है, ये कहां यूज किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल वर्क के लिए, यानी कि लाइट ड्यूटी वर्क, लाइट ड्यूटी वर्क के लिए यहां पर यूज किए जाते हैं। अगर हम हैवी ड्यूटी वर्क की बात करते हैं बच्चों, तो पैन हेड रिविट यहां पर यूज किए जाते हैं हैवी ड्यूटी वर्क के लिए, लाइट ड्यूटी वर्क के लिए यहां पर आपके आपके स्नैप हेड रिविट यूज किए जाते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल वर्क में ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, एटलीस्ट डैश रिविट्स वन ऑफ द ईच कनेक्टेड प्लेट आर नेसेसरी टू मेक अ बट जॉइंट, यानी कि बट जॉइंट बनाने के लिए कम से कम डैश रिविट प्रत्येक कनेक्टेड प्लेट में एक आवश्यक है, थ्री रो ऑफ
ठीक है, तीन पंक्तियां, दो पंक्तियां, एक पंक्ति या चार पंक्तियां यहां पर, यानी कि आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा है बच्चों, अगर हमें बट ज्वाइंट बनाना है, बट ज्वाइंट बनाना है हमें, तो कम से कम कितनी पंक्तियां, रिवीट की कितनी पंक्तियां हमें लगेंगी। ठीक है, ये देखिएगा बच्चों, ठीक है, ये बट जॉइंट है हमारा, ये क्या है, बट जॉइंट है हमारा। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है, अगर हम ये देखिए, ये प्लेट यहां रख दी हमने, ठीक है, ये प्लेट हमने यहां रख दी, ठीक है, एक 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 पंक्ति इधर चाहिए रिवेट की, एक पंक्ति इधर चाहिए रिवेट की, क्या है, एक पंक्ति इधर चाहिए, एक पंक्ति इधर चाहिए यहां पर, ठीक है, तो ये कितनी है, दो रो, ठीक है, टू रो इज मिनिमम, टू रो यहां पर चाहिए किसको, बट ज्वाइंट को बनाने के लिए, क्लियर। द रिवेट डायमीटर शुड बी, रिवेट का डायमीटर होना चाहिए हाफ ऑफ द प्लेट थिकनेस, लेस देन द प्लेट थिकनेस, मोर देन द प्लेट थिकनेस, इक्वल टू द प्लेट थिकनेस यहां पर, ठीक है, इक्वल टू द प्लेट थिकनेस यहां पर। तो क्या होता है बच्चों, यहां पर जो डायमीटर होता है वो प्लेट की थिकनेस का कितना रखा जाता है, रिवेट का, ठीक है, रिवेट का कितना रखा जाता है, देखिए कोई हमारी प्लेट है यहां पर, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, माफ कीजिएगा, d इक्वल्स टू 6 अंडर रूट टी, 6 अंडर रूट टी यहां पर इसको रखा जाता है, ठीक है, क्लियर है, ये यहां पर इसको रखा जाता है, यहां पर क्या, आपकी रिवेट के थिकनेस, यहां पर डायमीटर की जो, डायमीटर जो रखी जाती है रिवेट की थिकनेस के कितने गुना होती है, 6 अंडर रूट टी गुना होती है यहां पर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ अ मटीरियल इज डैश देन द ब्रेकिंग स्ट्रेस, जो आपकी अल्टीमेट स्ट्रेस होती है आपकी मटीरियल की वो क्या होती है, ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा होती है, कम होती है, बोथ, यानी कि और भी दोनों होती है, नन ऑफ दो, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर, ये जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस होती है यहाँ पर वो क्या होती है, ब्रेकिंग स्ट्रेस से, जब मटीरियल टूटने वाला होता है, ठीक है, या टूट जाता है तो उसके कंपैरिजन में क्या होती है यहाँ पर, ठीक है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस जो होती है बच्चों, ये टूटने से पहले होती है, क्या होती है, मटेरियल का जब हम फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, माफ कीजिएगा, टेंसाइल फोर्स जब हम लगा रहे हैं, यहां मान लीजिए हमने इसको खींच रहा हूं, मैं इसको खींच रहा हूं यहां पर, तो इस पर क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, जब टेंसाइल फोर्स लगेगा, खींचेगा यहां पर, इसमें क्या होगी, स्ट्रेस जनरेट होगी, क्या होगी, स्ट्रेस जनरेट होगी, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस पर क्या होती है, स्ट्रेस जो होती है मैक्सिमम होती है यहाँ पे, यानी कि उसकी क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस होती है, वो क्या होता है, टूटने से जस्ट पहले होती है, और टूटने के बाद टूट गया, स्ट्रेस खत्म, तो यानी कि क्या होती है यहां पर, सबसे ज्यादा हाई होती है यहां पर, अल्टीमेट स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस यूटीसी मेगा पास्कल एंड ब्रेनर हार्डनेस नंबर, ठीक है, यूटीसी और बीएचएन में, यूटीसी और ब्रेनस हार्डनेस, ब्रेनर हार्डनेस नंबर, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, संबंध पूछ रहा है इसके बीच में, ठीक है, बीएचएन टेस्ट किस लिए किया जाता है बच्चों, हार्डनेस टेस्ट है बीएचएन हमारा, ब्रेनर हार्डनेस टेस्ट, ये हमारा हार्डनेस टेस्ट है, ठीक है, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी जो है आपकी क्या है यहाँ पर, उसमें वो मैक्सिमम कितना लोड वियर कर सकती है, ठीक है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसके लिए यहां पर किया जाता है। तो ये होता है बच्चों यूटीएस जो होता है, यूटीएस जो होता है बीएचएन के 3.5, यूटीएस इक्वल टू बीएचएन इनटू 3.5 टाइम्स यहां पर क्या होती है आपकी यूटीएस होती है, ठीक है, आपकी क्या है, ब्रेनल हार्डनेस नंबर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यहां पर कौन सा है, टेंसाइल टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, या सॉरी माफ कीजिएगा, कंप्रेशन टेस्ट है, कंप्रेशन टेस्ट या क्रीप टेस्ट है बच्चों यहां पर, तो कौन सा टेस्ट है बच्चों यहां पर जो आपका क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है यहां पर, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आता है बच्चों, देखिएगा हमारा ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा डिस्ट्रक्टिव में आता है, कंप्रेसिव हमारा डिस्ट्रक्टिव में आता है, और क्रीप टेस्ट जो होता है हमारा ये भी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आता है, केवल हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो होता है वो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आता है, अंदरूनी दोषों को हम यहां पर पता लगाते हैं इसमें, ठीक है, जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं जॉब के अंदर, तो हमें क्या पड़ता है या अल्ट्रासोनिक टेस्ट द्वारा उसका पता लगाया जाता है, क्लियर।
चलिए अल्ट्रासोनिक टेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग द मैक्सिमम इग्निशन टेम्परेचर इज, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में अधिकतम ज्वलन तापमान कितना होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम इग्निशन टेम्परेचर की बात कर रहा है बच्चों यहां पर, किसके लिए, किसके लिए बच्चों, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लिए, ठीक है, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर होता है बच्चों यहां पर 3300 डिग्री सेल्सियस, कितना 3300 डिग्री सेल्सियस यहां पर इसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच सेंसिटिव स्प्रिट लेवल इज यूज इन मशीन शॉप, इज यूज इन मशीन शॉप, मशीन शॉप के लिए बच्चों यहां पर किस, कितनी सेंसिटिविटी होती है स्प्रिट लेवल की, स्प्रिट लेवल की कितनी सेंसिटिविटी होती है आपके मशीन, मशीन शॉप के लिए 0.1 mm पर 100 mm, 0.5 mm पर 100 mm, 0.2 mm पर 100 mm और 0.005 mm पर 100 mm यहां पर, ठीक है। तो वर्कशॉप के लिए कितनी होती है बच्चों, वर्कशॉप के लिए कितनी होती है यहां पर, ये होती है बच्चों 0.5 mm पर 100 mm है यहां पर। अगर हम बात करते हैं प्रिसीजन स्प्रिट लेवल के बारे में, वो होती है 0.05 mm पर 100 mm, ठीक है। ये किसके लिए होती है, ये होती है आपकी प्रिसीजन स्प्रिट लेवल की, ठीक है, प्रिसीजन स्प्रिट लेवल की होती है, और मशीन स्प्रिट लेवल की होती है यहां पर मशीन शॉप में, ये आपका 0.5 mm पर 100,000 mm। आपसे पूछ रहा है बच्चों यहां पर फाइल की एचआरसी क्या होती है, अगेन जनरली स्पीकिंग हैंड फाइल आर, हार्ड आर, यानी कि आपसे यहां पर सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है कि फाइल की एचआरसी क्या होती है, यहां पर 45 होती है, 30 होती है, 80 होती है या 60 होती है बच्चों। एचआरसी को समझेंगे, एचआरसी को क्या बोलते हैं, एचआरसी ये होती है बच्चों हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस रॉकवेल कंसेंट्रेशन, ठीक है, हार्डनेस रॉकवेल कंसेंट्रेशन यहां पर ये होती है आपकी एच आर सी यहां पर। ये कितनी रखी जाती है बच्चों, जितने भी हमारे कटिंग टूल हैं वो उनकी एचआरसी जो होती है बच्चों वो 58 से लेके यहां पर 65 के बीच में होती है, ठीक है। तो यहां पर लाइज कौन कर रहा है बच्चों, आपकी 60 एचआरसी, जो आपकी क्या होती है 60 एचआरसी होती है, वो किसकी होती है बच्चों यहां पर आपकी हैंड फाइल की होती है। अगर चीजल की हम बात करें, चीजल की हम बात करें 53 एचआरसी से लेकर 58 58 एचआरसी तक यहां पर होती है, ठीक है, 58 एचआरसी तक यहां पर होती है किसकी, आपकी चीजल की, क्लियर। चलिए ठीक है, वहीं अगर हम मैं कटिंग टूल की बात करूं, ड्रिल की बात करूं, उसकी होती है 65 एचआरसी, 65, ठीक है, 63 से 65 एचआरसी, कॉमनली ये आता है बच्चों यहां पर 64 एचआरसी आता है उसका आपके लिए हाई स्पीड ड्रिल बिट के लिए। इनटू हाउ मेनी वन ईयर डिवीजन इज 23 डिवाइडेड इनटू इन अ वन ईयर वेवल प्रोटेक्टर, ठीक है, वन ईयर वेब, ये वेब जो लिखा है बच्चों इसको बेवल कर लेंगे, बेवल, वन ईयर बेवल प्रोटेक्टर में 23 डिग्री को कितने वर्नियर डिवीजनों में बांटा गया है, 12 डिवीजनों में, 15 डिवीजनों में, 22 डिवीजनों में या आपके 24 डिवीजनों में यहां पर, ठीक है। तो सिंपल जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के 22 जो डिवीजन होते हैं वो वर्नियर के कितने डिवीजन के बराबर होते हैं, 12 डिवीजन के बराबर होते हैं, ठीक है, 12 डिवीजन के यहां पर बराबर होते हैं बच्चों। तभी तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहां पर जब हम इसकी लिस्ट काउंट निकालते हैं तो एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वन्यर स्केल डिवीजन, ठीक है, क्लियर। चलिए तभी तो बच्चों इसकी लिस्ट काउंट कितनी आती है, 5 मिनट यहां पर आती है। अगला क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ द स्क्रू पिच गेज, एक स्क्रू पिच गेज का मेन पर्पस क्या होता है, चेकिंग द लिमिट ऑफ द स्क्रू थ्रेड, स्क्रू थ्रेड की लिमिट को चेक करना, चेकिंग द क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस ऑफ द स्क्रू थ्रेड, ठीक है, या चेकिंग द माइनर डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड, चेकिंग द मेजर डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड। जो हमारा स्क्रू पिच गेज होता है बच्चों, ये हमारे क्या है आपकी, ये क्या होगी पिच है, ये हमारी चूड़ी कटी हुई है किसी बोल्ट पे, ये देखेंगे ये बोल्ट है हमारा, ठीक, बोल्ट है हमारा, बोल्ट पे
चूड़ी कटी हुई है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेकिंग द लिमिट ऑफ द स्क्रू थ्रेड, नहीं वो लिमिट अगर की बात करें स्क्रू थ्रेड की, वो क्या करता है बच्चों, लिमिट नहीं चेक करता। लिमिट कौन चेक करता है, वो गेज चेक करता है, कौन से वाला, स्नैप गेज या आपका रिंग गेज यहां पर, ठीक है ठीक। चेकिंग द क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस ऑफ द स्क्रू थ्रेड, ये देखिएगा बच्चों, ये क्या है इसका रूल, ये क्रेस्ट है और क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, ये क्या होता है, ये आपकी पिच होती है, और इसी को क्या करता है, ये चेक करता है स्क्रू थ्रेड, यानी कि चेकिंग द क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द स्क्रू थ्रेड, दो स्क्रू दो थ्रेड के बीच के क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी जो होती है वो आपकी पिच कहलाती है, और स्क्रू पिच गेज क्या चेक करता है, थ्रेड की पिच को चेक करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच क्लच इज यूज टू ट्रांसमिट लेस पावर, इनमें से कौन सा क्लच, कौन सा क्लच सबसे कम पावर को जनरेट करता है, कौन सा क्लच सबसे कम पावर को जनरेट करता है बच्चों, प्लेट क्लच हो गया, कौन क्लच हो गया, डायरेक्ट क्लच हो गया आपका, या सेंट्रीफ्यूगल क्लच हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे लेस पावर जो होती है बच्चों यहाँ पर, सबसे लेस पावर होती है कौन क्लच की, और सबसे ज्यादा होती है डॉग क्लच की, ठीक है, ज्यादा इसकी कम यहाँ पर, ठीक है, सबसे ज्यादा और सबसे कम। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज एडिशनली फिटेड टू द इंक्रीज द आर्क ऑफ द कॉन्टेक्ट इन द ओपन बेल्ट ड्राइव, यानी कि आपसे पूछ रहा है ओपन बेल्ट ड्राइव में आर्क कॉन्टेक्ट को, ये देखिएगा, आपकी ओपन बेल्ट ड्राइव है यहां पर, ये ओपन बेल्ट ड्राइव में आपसे पूछ रहा है स्पर्श चाप को बढ़ाने के लिए, यानी कि आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम किस किसका यूज करते हैं, लूज पुली का, फास्ट पुली का, जोकी पुली का, या आइडलर पुली का, यहां पर किसका यूज करते हैं बच्चों, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, एक एडिशनल पुली यहां पर लगा देते हैं, ठीक है, एक एडिशनल पुली यहां पर लगा देते हैं, ठीक, यहां पर ये लगा देते हैं, ये क्या करती है, ये यहां पर क्या करती है, ये इसके जो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट है इसको क्या करती है, यहां पर ये बेल्ट को नीचे दबाएगी तो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, ये यहां पर ये बढ़ जाएगा, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट यहां पर बढ़ जाएगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहां पर ये चलेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां पर ये दबा के इसको चलेगी, ये क्या करेगा, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट को बढ़ा देगा, क्या कौन सा करता है, जो कि पुली यहां पर इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जो कि पुली इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ द शाफ्ट और आउटसाइड डायमेंशन इज एड्रेस्ड बाय, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, शाफ्ट या बाहरी डायमेंशनों में कि मूलभूत विचलन को निम्नलिखित में से किससे संबोधित किया जाता है, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ द शाफ्ट ऑफ द आउटसाइड डायमेंशन इज एड्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, शाफ्ट या बाहरी डायमेंशनों को मूलभूत विचलन में निम्नलिखित में से किससे संबंधित किया जाता है बच्चों, फंडामेंटल डेविएशन की बात कर रहा है यहाँ पर, ये फंडामेंटल डेविएशन की बात कर रहा है शाफ्ट के फंडामेंटल डेविएशन की, तो ये बात कर रहा है, ठीक है, वो क्या होती है बच्चों यहाँ पर क्या होती है, ये स्मॉल में आपका एबीसी से लेके जेड सी तक, क्या है स्मॉल में, स्मॉल लेटर, देखिए जब भी हम शाफ्ट को दर्शाते हैं तो स्मॉल लेटर्स में हम उसको दर्शाते हैं, जब भी हम होल को दर्शाते हैं तब हम उसको कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों यहाँ पर आपकी फंडामेंटल डेविएशन क्या होगी, एबीसी स्मॉल्स में जेड सी तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ जिग प्रोवाइड द करेक्ट लोकेशन ऑफ द ड्रिल, ड्रिल की करेक्ट लोकेशन के लिए जिग के किस पार्ट का प्रयोग होता है, लाइनर बुश का, गाइड बुश का, जिग प्लेट का, या सेटिंग ब्लॉक का, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सही लोकेशन में लाना है ड्रिल को सही लोकेशन में बिठाना है, तो वो क्या करता है बच्चों, वो क्या करता है, गाइड बुश यहाँ पर उसका काम करता है, उसको सही लोकेशन में लाता है, ड्रिल को सही लोकेशन में लाता है ताकि ड्रिल हमारी सही से हो जाए, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम गोइंग इन टू द अपोजिट डायरेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा वाल्व पानी के बहाव को एक दिशा में जाने देता है, ठीक है, और दूसरी दिशा में जाने से रोकता है, वो कौन सी वाल्व है बच्चों, कौन सी वाल्व है वो जो एक ही डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में डायरेक्शन फ्लो करती है, ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन में पानी को अलाउ करती है, ठीक है, ग्लोब वॉल है, गेट वॉल्व है, या चेक वॉल्व है, या निडल वॉल्व है, ठीक है, ग्लोब वॉल है, चेक वॉल्व है, निडल वॉल्व है, या आपकी गेट वॉल्व है, वो कौन सी होती है, चेक वॉल्व, ठीक है, चेक वॉल्व होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन
नॉन रिटर्न वाल्व। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? नॉन रिटर्न वाल्व इसको बोला जाता है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंच इज यूज फॉर ग्रिपिंग एंड रोटेटिंग पाइप्स इन कॉन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस में, कन्फाइंड स्पेस में यानी कि बंद स्थानों पर पाइप की ग्रिपिंग करने के लिए और घुमाने के लिए निम्नलिखित में से किस रेंच का प्रयोग किया जाता है? आपकी क्लोज्ड पैकिंग है, यहां पर बंद तंग स्थान है, उसमें क्या करना है? पाइप को ग्रिप करना है और उसको घुमाना है, तो इसमें किस रेंच का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है बच्चों यहां पर स्ट्रैप रेंच का। किसका? स्ट्रैप रेंच का प्रयोग किया जाता है जब आपको एक कन्फाइंड स्पेस में क्या करना होता है, किसी पाइप को घुमाना होता है कुछ इस तरीके से बच्चों। चौड़े पट्टे वाली यहां पर क्या होती है, ये रेंच होती है, ठीक है, जिसमें पकड़कर आप क्या कर सकते हैं, पाइप को घुमा सकते हैं, ग्रिप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, तो ठीक है बच्चों, ये थे आज के 30 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आप इन क्वेश्चंस के साथ अपनी प्रैक्टिस को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेक इट इजी स्किल्स से, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप मेक इट इजी स्किल्स, वहां पर सभी हमारे आईटीआई के सभी कोर्सेज पर आपको 20% यहां पर ऑफर मिलेगा। ठीक है, यानी कि 999 का कोर्स अब आपको सिर्फ 799 में यहां पर मिल जाएगा, सिर्फ 799 रुपए में। आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं, पूरा एक साल की वैलिडिटी के लिए यह कोर्स होगा। इसमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों ही तरीके की यहां पर क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, दोनों ही तरीके के आपको लेक्चर्स यहां पर मिलेंगे, रिकॉर्डेड लाइव प्लस आपके डाउट सेशन यहां पर इनको आपको देखने को मिलेंगे बच्चे। तो अधिक जानकारी के लिए बच्चों का आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपको फुली डिटेल यहां पर मिल जाएगी कोर्स से रिलेटेड सभी के लिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आने वाली ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए आपको अभी से मेहनत करनी है, अभी 2 से 3 महीने के अंदर यानी दिसंबर तक आपका ALP टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। काफी ह्यूज लेवल, बम्पर लेवल पे बच्चों आपको वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बच्चे रेडी रहिएगा वैकेंसी के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।